हुई है वही जो राम रची राखा। रूस ने भारत के लिए 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और अब भारत को मनाने में लगा। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। सबसे बड़ी खबर, दक्षिण चीन सागर में पीछे पड़ी चीनी परमाणु पनडुब्बियां। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से इधर मुड़ते चले जाइए, यहाँ बिल्कुल एशिया के लास्ट पॉइंट पे आपको मिलेगा तुर्की यानी कि अर्दोगन का देश। और अब यहाँ अर्दोगन की रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट अपने चरम पर पहुँच चुका है। और कारण जानकर आपको हैरत होगी, कारण है इस्तांबुल में ये जो कैनाल देख रहे हैं आप, ये छोटी सी नहर जैसी, ये बना है सबसे बड़ा कारण। इस्तांबुल एक काफी पुराना शहर है जहाँ से ये नहर गुजरती है जिसे स्ट्रेट कहा जाता है, और यही वो कैनाल है जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ती है। बोस्फोरस स्ट्रेट सदियों से महत्वपूर्ण रहा है और आज भी काफी खास है। अब मैप को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बोस्फोरस स्ट्रेट कितना जरूरी है। इसकी वजह से यूक्रेन है, रूस है या रोमानिया है, सोफिया है, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। इस रूट के जरिए आना जाना संभव हो पाता है। अगर ये रूट न हो तो फिर दुनिया के ये देश बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और सी रूट से नहीं जुड़ेंगे तो सीधा खामियाजा व्यापार में भुगतना होगा। अब जिन देशों के पास सी रूट नहीं है, जैसे कि नेपाल को, तजिकिस्तान को, इसे देखेंगे आप तो ये अपने पड़ोसी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। वैसे तो तुर्की का कंट्रोल इस कैनाल पर हुआ 1936 में, उससे पहले ये अलग अलग देशों के पास रहा। अब 1936 में जब कंट्रोल मिला तुर्की को इसका, तो इसके साथ साथ शर्तें लगी हुई थी। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये कहा गया था कि इस रास्ते का इस्तेमाल दुनिया का हर देश कर पाएगा, और कैनाल से चाहे वो मालवाहक जहाज हो या फिर सैन्य दस्ता हो, युद्धपोत हो, सब कुछ गुजरेंगे और इसके लिए तुर्की कभी ना नहीं करेगा। और इस संधि का पालन तुर्की की पुरानी सरकारें और सेना बहुत कड़ाई से अब तक करती आई थी। वर्ल्ड वार के समय में भी इस रास्ते का इस्तेमाल कई देशों ने किया, विरोधियों ने, साथियों ने, लेकिन तुर्की ने किसी को नहीं रोका था। अब हुआ ये कि अर्दोगन एक नया कैनाल बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि बोस्फोरस का ये जो कैनाल है काफी सकरा है, कई बार कंटेनर इसमें फंस जाते हैं, काफी लंबी वेटिंग टाइम हो जाता है, तो हम एक चौड़ी सी कैनाल बनाएंगे जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ेगा और इसका नाम होगा कैनाल इस्तांबुल, और $10 बिलियन इसमें लगाने का ऐलान भी कर दिया अर्दोगन ने। अब खुल्लम खुल्ला तुर्की की नौसेना के एडमिरल आ गए हैं इसके साथ, और वो भी एक दो नहीं बल्कि 100 की संख्या में, और इन्होंने खिलाफ में चिट्ठी लिखी अर्दोगन को, वो भी खुली चिट्ठी। अब ये जो 103 एडमिरल हैं, इन्होंने ये लिखा है कि ये संधि का उल्लंघन है जो हमने किया है रूस, जापान, यूके, अमेरिका, इन देशों से, और ऐसा नहीं करना चाहिए अर्दोगन को। जिसके बाद अर्दोगन ने ये आरोप लगा दिया कि ये 103 एडमिरल देशद्रोही हैं, ये देशभक्त नहीं है। अब अर्दोगन खुद ये कह रहे हैं कि ये लोग वो हैं जो तख्ता पलट के समर्थक हैं। वैसे आपको बता दें, तुर्की में सैन्य तख्ता पलट का खतरा हमेशा से बना रहता है, और अब ये प्रोजेक्ट उस आग में घी डालने का काम कर रहा है और अर्दोगन इसी बात से डर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में धमाल मचा हुआ है, तो अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका ने सबसे पहले उस चीज की तोड़ निकाली जो भारत के लिए संकट बन सकता था, और भारत के लिए संकट बन सकता था चीन का S-400, जिसके लिए खास तौर पर मिसाइल तैयार करी है अमेरिका ने। दरअसल एंटी रेडिएशन मिसाइल S-400 की काल है, और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है AGM-88 हार्म, जिसके एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया है, और ये जो नई मिसाइल है ये ज्यादा दूर तक हमला करने में सक्षम है। अमेरिका ने ये मिसाइल दुश्मन के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाया है, और कई विशेषज्ञ इसे रूस के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस को तबाह करने वाली मिसाइल बता रहे हैं। और इसे सबसे पहले F-18 सुपर हॉर्नेट के द्वारा दागा गया, और इसने अपना परीक्षण बिल्कुल सफल तरीके से पूरा किया, जिसके
बाद ये तो तय हो गया कि रूस और अमेरिका के बीच भले ही तनाव बढ़ जाए, लेकिन इस मिसाइल से भारत को चीन के प्रति बढ़त हासिल करने में बड़ा फायदा होगा। तो वहीं अभी ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है दक्षिण चीन सागर और कुछ दिनों में भारत का भी उतरने वाला है। लेकिन इससे पहले ही चीन ने यहाँ युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है ताकि ये देश आमने सामने आ जाए। दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती देते हुए ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ जब पहुंचा तो चीन ने अपने पनडुब्बियों को लगा दिया उसके पीछे जासूसी करने में। चीन ने अपने परमाणु पनडुब्बियों को लगाया और चीन की ये चोरी पकड़ी ब्रिटेन के एंटी सबमरीन सोनार ने। इस चीनी सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया। आपको बता दें इन पनडुब्बियों में कई घातक क्रूज मिसाइलें लैस थी और ये सोनार ब्रिटेन के फ्रिगेट्स पर लगा हुआ था जो कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की रक्षा के लिए चल रहा था। बताया जा रहा है कि जब यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से प्रशांत महासागर निकल रहा था उसी समय दो चीनी परमाणु पनडुब्बियां ब्रिटिश युद्धपोतों के आसपास दिखी। आपको बता दें चीन की पनडुब्बियों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन उनके पास युद्ध लड़ने का अब अनुभव बिल्कुल नहीं है। खैर दक्षिण चीन सागर में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे कभी भी युद्ध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सारी महाशक्तियां दक्षिण चीन सागर में ही जमा हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है रूस और भारत के संबंधों को लेकर। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं इस वक्त भारत और रूस के बीच, क्या भारत और रूस में दोस्ती है या दुश्मनी है ये समझ में आ नहीं रहा है। कभी रूस पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाता है, कभी चीन की तरफ दिखाता है, तो पुराने भारत और रूस के दोस्ती वाले दिन कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। पर अब एक बड़ी घोषणा हुई UNSC में जिसमें ये कहा गया कि कल होने वाली है UNSC की खास बैठक जिसमें चर्चा होगा समुद्री सुरक्षा को लेकर और आतंकवाद के मामले को लेकर, जिसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भारतीय इतिहास में भी पहली बार हो रहा है। और आपको बता दें बड़ी बात ये है कि जहां बाकी देशों के विदेश मंत्री आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, तो वहीं खास तौर पर रूस की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं। पुतिन इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं जो एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन साधारणतः ऐसी मीटिंग्स में जाते नहीं है, ये भारत के प्रति उनका सम्मान दिखाने का तरीका है। वैसे ये पुराने दिन याद दिला रहा है प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के दोस्ती के। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपनी नौसेना उतारी है, क्या भारत को अपनी नौसेना वहाँ भेजनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।